राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में अपनी ही सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर अनशन किया था, जिसके बाद अब सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि पायलट ने जो मुद्दा उठाया है वो सही है, लेकिन तरीका गलत था। इस बीच राजस्थान को लेकर कल खड़गे के घर पर अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, मैं इसको संकट नहीं कहता। पहली बात तो सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूँ। उठाने का तरीका गलत है। राजस्थान में जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, उस टाइम हाउस में गवर्नर एड्रेस पर इनको बोलना चाहिए था कि जी क्या केसेज जो हैं उनका आप क्या कर रहे हैं। वो उनको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था जहां अपनी पूरी स्टेट की बात और लोगों को पता चलता कि सचिन पायलट करप्शन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं।